हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको युगलीना के रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। रिप्रोडक्शन इन युगलीना। तो युगलीना कैसे जनन करता है? युगलीना जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। आप जानते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमीट जो है वो इस गैमीट जो है वो फर्टिलाइज करेंगे और जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा। लेकिन इसमें युगलीना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। युगलीना कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, मीन्स एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे होता है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीन तरह से, यानी तीन मेथड से होता है। फर्स्ट क्या हो गया आपका? बाइनरी फीजन। सेकंड क्या हो गया? मल्टीपल फीजन एंड पोमेला स्टेज। और थर्ड क्या हो गया? इंसिस्टमेंट। अब यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है बाइनरी फीजन। तो बाइनरी मीन्स क्या होता है? टू। और फिजन मीन्स क्या होता है? यानी विखंडन, यानी दो भागों में बटना। तो बाइनरी फिजन यानी युगलीना की जो बॉडी है वो दो भागों में बट जाएगी। मल्टीपल फिजन, फिजन मैंने बताया था आपका विखंडन, मल्टीपल मीन्स कई भागों में। तो यहाँ युगलीना जो है वो कई भागों में इनकी बॉडी बटेगी। और पोमेला स्टेज, पोमेला स्टेज जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास वगैरह को देखा है, जो जेलेटिनस एक सिस्ट हो जाती है उसके अंदर बंद रहते हैं, तो उसे हम पोमेला स्टेज बोलते हैं। इनसिस्टमेंट यानी युगलीना है अपने चारों ओर क्या बना लेता है? सिस्ट बना लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीन विधि से होता है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और इनसिस्टमेंट मेथड से। तो बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो अनुकूल परिस्थिति में, यानी युगलीना की जब फेवरेबल, युगलीना जो है जब फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी पर्याप्त मात्रा में लाइट, भोजन, ये सब उन्हें अनुकूल ताप इन्हें मिलेगा, तब ये बाइनरी फ्यूजन दिखाएंगे। और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी, यानी जब सूखे की स्थिति हो, इन्हें ताप बहुत अधिक हो, सर्दी बहुत अधिक हो, तब ये क्या करेंगे? मल्टीपल फ्यूजन या इंसिस्टमेंट विधि से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम देख लें बाइनरी फ्यूजन कि वो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। तो बाइनरी फ्यूजन क्या हमने बताया था अभी आपको? अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल जब परिस्थितियाँ होंगी, तो जल, ताप और भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में युगलीना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करता है। युगलीना में जो ट्रांसफ़र, अब बाइनरी फ्यूजन जो है वो दो तरह से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसफ़र होता है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऐसे खड़ा खड़ा डिवीज़न होता है, और ट्रांसफ़र में जैसे आपने देखा होगा पैरामीशियम में वो ऐसे लंबा इस तरह से डिवीज़न होता है। तो युगलीना में जो क्या है आपका, मीन्स ऐसे वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, ट्रांसफ़र डिवीज़न नहीं होता है, ट्रांसफ़र बाइनरी फ्यूजन नहीं होता है। तो युगलीना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है। अब यहाँ पर आप फिगर में ही देख रहे हैं, जैसे मीन्स ये ऐसे युगलीना खड़े खड़े जो है दो भागों में ऐसे बट रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में करेगा। साथ में अब क्या होगा? सबसे पहले जो है इसमें न्यूक्लियस जो है युगलीना का, ये माइटोटिक डिवीज़न करता है, यानी समसूत्री विभाजन। पहले सबसे पहले युगलीना में समसूत्री विभाजन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके बाद इनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे एक फैरो यानी एक खांच बन जाती है और बॉडी दो भागों में विभाजित होती है। तो सर्वप्रथम इसका न्यूक्लियस जो है वो समसूत्री या माइटोसिस द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। अब समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीज़न में भी कई स्टेप हैं, आपने देखा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरा है आपका एनाफेज और चौथा है आपका टीलोफेज।
ठीक, ये चार टीलोफेज, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो ये जो है ये स्टेप है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें क्या होगा न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, मीन्स इन इन फेजों से न्यूक्लियस जो है वो गुजरता हुआ डिवाइड होगा। तो प्रोफेज में क्या होता है, सब इनके जो जो न्यूक्ली हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इंडोसोम्स, ये जो आप क्रोमोसोम्स देख रहे हैं ये इंडोसोम जो हैं ये डिवाइड होते हैं। तो प्रोफेज में क्या है कि इनकी मेम्ब्रेन, इसमें एक और बात है कि और सब में आपने डिवीज़न देखा होगा तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंत तक बनी रहती है, मीन्स टीलोफेज तक इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहेगी, डिसॉल्व नहीं होगी। तो इनके जो न्यूक्ली हैं या एंडोसोम हैं वो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, दो डिवीज़न उसमें शुरू हो जाएगा, तो वो आपस में सबसे पहले सट जाएंगे और अर्धगूढ़सूत्र की तरह हो जाएंगे। अब ये दोनों अर्धगूढ़सूत्र जो हैं यानी क्रोमैटिड, अर्धगूढ़सूत्र बोलते हैं क्रोमैटिड को, तो ये दोनों क्रोमैटिड जो हैं मेटाफेज में क्या हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। अब मेटाफेज में इसमें स्पैंडल नहीं बनते हैं, आपने जनरली जितने एनिमल में, एनिमल के आपने देखे होंगे माइटोसिस, तो उसमें क्या होता है स्पैंडल बन जाता है, तो इसमें स्पैंडल नहीं बनते, इसमें क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो उस माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आके ये जो अर्धगूढ़सूत्र है यानी क्रोमैटिड है वो लग जाते हैं बीच में, तो बीच में लग जाएंगे मीन्स ऐसे हैं, तो ये बीच में आके यहाँ पे इस तरह से लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। तो मेटाफेज में आके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल पे लग गए। अब एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों जो अर्धगूढ़सूत्र थे यानी क्रोमैटिड थे वो पोल की तरफ, यानी दोनों अलग अलग पोल की तरफ खींचने लगेंगे और दोनों अलग अलग एनाफेज में पोल की तरफ चले जाएंगे। अब टीलोफेज में क्या है, जो इनकी न्यूक्लियर मीन्स ये जो न्यूक्लियस था, अभी न्यूक्लियस डिवीज़न हो रहा है, तो इनका ये जो न्यूक्लियस था ये बीच में आ गए, अब यहाँ पे क्या ये बटने लगे, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे एक फोरो बन जाएगी यानी कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे सुकड़ेगा और ये दो भागों में न्यूक्लियस ऐसे दो भागों में बट जाएगा यानी दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो अब ये दो न्यूक्लियस बन गए, अब ये दो न्यूक्लियस जो हैं ये इसी यहाँ पे अब दोनों पोल की तरफ आ जाएंगे, मीन्स दोनों न्यूक्लियस अपने अपने डॉटर न्यूक्लियस की पोजिशन पर चले जाएंगे। अब जब न्यूक्लियस दोनों पोजीशन पे चले गए, अब इनमें क्या होगा, इनके जो और ऑर्गन्स हैं यानी युगलीना के जितने ऑर्गन्स हैं जैसे फ्लैजिलम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, स्टिग्मा है, साइटोफेरिंग्स है, आपके साइटोस्टोम है, रिजर्वायर है, इन सब ऑर्गन के डबल सेट हो जाएंगे। अब इनका फॉर्मेशन यानी ये तो हो गया, अभी बटा नहीं है, मीन्स ये दोनों इसमें अभी क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस आपका डिवाइड हुआ है दो भागों में। अब यहाँ पे ये देखिए रिजर्वायर, एक और रिजर्वायर बन गई, एक यहाँ पे रिजर्वायर बन गई, एक स्टिग्मा ये हो गया, एक स्टिग्मा ये बन गया, एक यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये फ्लैजिलम, एक ये फ्लैजिलम, यानी सभी ऑर्गन्स के डबल सेट बन जाएंगे। अब डबल सेट बन गए, इसके बाद क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब साइटोप्लाज्म जब डबल सेट हो जाएंगे तब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो अब साइटोकाइनेसिस डिवीज़न में क्या, एक खांच बनने लगती है, मीन्स कैसी, लॉन्गिट्यूनल खांच यानी लॉन्गिट्यूनल फोरो बनने लगती है। तो ये फेरो जो है धीरे धीरे गहरी होती जाती है, ये देखें यहाँ पर ये थोड़ी ये यहाँ तक बनी है, फिर ये धीरे धीरे आपकी गहरी होते जाएगी और युगलीना जो है डॉटर युगलीना बना लेगा, मीन्स दो भागों में बट गया, ये डॉटर युगलीना बन जाएगा। तो ये तो था इनका बाइनरी फ्यूज़न। तो क्या होता है बाइनरी फ्यूज़न में, सबसे पहले जो है न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक डिवीज़न से दो भागों में विभाजित हो जाता है, साथ में शरीर के साथ ही साथ क्या होगा, शरीर के अगले भाग में क्या है, सभी अंग जैसे क्या, फ्लैजिलम, रिजर्वायर, साइटोफेरिंग, साइटोस्टोम और स्टिग्मा के दो सेट बन जाते हैं, मीन्स डबल हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो गया, शरीर के अगले सिरे पे लॉन्गिट्यूनल खांच, मीन्स अब क्या होगा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस डिवीज़न शुरू हो गया, तो लॉन्गिट्यूनली एक खांच बनने लगती है, मीन्स लंबाई में ऐसे वर्टिकली एक खांच बनने लगेगी
और जो धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगेगी और शरीर के पिछले मीन्स इनके बॉडी के पिछले सिरे तक बढ़ने लगती, जिससे युगलीना जो है वो दो डॉटर युगलीना बना लेता है। तो ये तो था इनका आपका बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन ये नहीं दिखाते हैं। अब दूसरा देख लें हम मल्टीपल फ्यूजन या पामेलास्टेसिस। मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन और पामेला स्टेज में क्या होता है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न तो करते हैं लेकिन ढेर सारे, मीन्स दो डॉटर युगलीना ना बन के कई डॉटर युगलीना, मल्टीपल जैसे आप जानते हैं मल्टीपल माने बहुत ढेर सारे, तो बहुत ढेर सारा इनका विखंडन होता है यानी मल्टीपल फ्यूजन में। और एक स्टेज बनती है जिसे पामेला स्टेज कहते हैं, अभी हम बताएंगे आगे आपको। तो ये मल्टीपल फ्यूजन और जो इनसिस्टमेंट दोनों विधियाँ थी वो किस में हो रही थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा ताप हो, तब ये क्या करते हैं, इस पर अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय अवस्था में हो जाएंगे और अपना फ्लैजिला ये फेंक देते हैं और कैसे हो जाएंगे, गोल हो जाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय अवस्था में युगलीना अपना फ्लैजिलम फेंक कर गोल हो जाता है और अपने चारों ओर क्या बना लेता है, म्यूसिलिजिनस सीथ या कोट बना लेता है। तो म्यूसिलिजिनस सीथ या एक कोट बन जाती है, उनके ऊपर एक म्यूकस की एक कवरिंग होती है जिसे हम म्यूसिलिजिनस सीथ बोलते हैं या म्यूसिलिजिनस कोट बोलते हैं, बना लेता है। इस अवस्था में यह लंबाई में विभाजित होकर मीन्स लॉन्गिट्यूनल डिवीज़न ही करेगा, 2 से 32 तक डॉटर युगलीना बना लेते हैं। अब ये डॉटर युगलीना जो बन जाते हैं बना लेता है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां ख़त्म हो जाएंगी और जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी यानी फेवरेबल कंडीशन जब आएगी, इनके अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तो ये सिस्ट जो है वो फट जाती है यानी ये जो सीथ है वो फट जाएगी और युगलीना जो है, जो डॉटर युगलीना थे वो बाहर आ जाएंगे और अपना फ्लैजिलम बना के सक्रिय अवस्था में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लें, फिगर से आपको समझा दें कि मीन्स युगलीना क्या करता है, जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी होती है, तो अपना फ्लैजिलम क्या करता है, फेंक देता है और गोल हो जाता है। गोल होने के बाद इसमें क्या बन जाते हैं, म्यूसिलिजिनस कोट या सीथ बन जाती है यानी किनारे किनारे म्यूकस की जो है कवरिंग बन जाती है। अब ये म्यूकस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये म्यूकस जो है म्यूसीफेरस बॉडी होती है, तो म्यूसीफेरस बॉडी से ये सिक्रीट होता है, म्यूसीफेरस बॉडी द्वारा ही ये म्यूकस सिक्रीट होता है। तो ये म्यूकस अपने चारों ओर सिक्रीट करके म्यूकस यानी जेलेटिन जैसा म्यूकस होता है, जेलेटिन जैसे कोट के अंदर बंद हो जाता है। अब इसके अंदर ही ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न यानी कि इनमें वैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जैसे मैंने अभी बाइनरी फ्यूजन में आपको बताया था। न्यूक्लियस डिवीज़न के बाद फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और एक खांच बनेगी। इस तरह से ये अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, डॉटर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न करके डॉटर युगलीना बना लेते हैं। अब ये 2 से 32 तक यानी ढेर सारे युगलीना डिवीज़न होके इसके अंदर बन जाते हैं। जब कई डिवीज़न हो जाता है यानी 14-15 इस तरह से 32 तक डिवीज़न हो सकता है, तो जब ये डॉटर युगलीना बन जाते हैं कई लॉन्गिट्यूडनल, तो इसके अंदर ये जो डॉटर न्यूक्लिया है ये म्यूकस सीथ के अंदर एक और कवरिंग अपने चारों तरफ बना लेते हैं। मीन्स ये म्यूकस कोट तो था ही, आप देख रहे हैं, तो ये म्यूकस का मास हो गया। मास के अंदर ये जो डॉटर युगलीना जो सिस्ट बनाए थे ये अपने ऊपर एक और सिस्ट बना लेते हैं इसके अंदर। तो ये सिस्ट मास के अंदर यानी म्यूसिलिजिनस जो ये मास है इसके अंदर फिर एक जेलेटिनस सीथ के अंदर ये बंद रहते हैं इस तरह से। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, पामेला स्टेज कहलाती है। तो ये पामेला स्टेज में ऐसे एक म्यूसिलिजिनस मास के अंदर पड़े रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये मास म्यूसिलिजिनस मास से पहले बाहर आते हैं, फट जाती है, फिर इसकी ये जो म्यूसिलिजिनस सीथ है या जो कोट है ये फट जाएगी और ये फिर फ्लैजिलम बना लेंगे और सक्रिय अवस्था में आ जाएंगे। तो
डाटर, यहाँ तक आपने देख लिया था कि युग्लिना बना लेते हैं। अब जब अनुकूल परिस्थितियाँ आने पे ये सिस फट जाती है और डॉटर युग्लिना जो है वो बाहर आ जाते हैं और डॉटर युग्लिना वृद्धि करके एडल्ट बन जाते हैं, मीन्स उसमें क्या हो जाएगा, फ्लैजिलम बन जाएगा और वो वृद्धि करने लगेंगे और क्या बन जाएंगे, एडल्ट बन जाते हैं। अब ये जो सीथ है, जो सिस्ट जो बनी है वो किससे बनी है, म्यूसीफेरस बॉडी द्वारा स्रावित होती है। पामेला स्टेज में युग्लिना क्या होता है, म्यूसीलियम सीथ के अंदर ही अपने चारों ओर एक और सीथ बना लेता है, वो स्टेज क्या कहलाती है, पामेला स्टेज कहलाती है। और ये अनुकूल परिस्थिति आने पे डॉटर युग्लिना जो है म्यूसीलियस कोट या सीथ से बाहर आके फ्लैजिलम बना लेते हैं और सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, मीन्स सक्रिय हो जाते हैं। अब हम देख लें इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट में क्या होता है कि ये भी किस दशा में हो रही थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में, बहुत ज़्यादा सूखा, बहुत ज़्यादा सर्दी या भोजन की कमी होती है तब ये इंसिस्टमेंट दिखाते हैं। मीन्स इसमें भी क्या है, जैसे म्यूसीलियस सीथ बनती थी वैसे ही क्या हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, यानी उसके ऊपर एक कोट बन जाता है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट के अंदर ये बंद रहते हैं और उसी में डिवीज़न कर लेते हैं। तो सूखे की जो सूखे की अवस्था में या भोजन की कमी में युग्लिना क्या करता है, अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है। इस अवस्था में यह निष्क्रिय रहता है और फ्लैजिलम इसके क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और युग्लिना कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, मीन्स अपने फ्लैजिलम को ये फेंक कर गोल हो जाता है और अपने चारों ओर सिस्ट बना लेता है। अब सिस्ट का रंग कैसा होता है, लाल होता है या पीला भूरे कलर की सिस्ट होती है, तो ये सिस्ट का रंग लाल या पीले भूरे रंग का होता है। अब यह सिस्ट जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जंतु की रक्षा के साथ साथ, मीन्स ये सिस्ट की जो कवरिंग हो गई अनफेवरेबल कंडर यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इसकी रक्षा करती है, युग्लिना को सेफ रखती है और रक्षा करने के साथ साथ क्या करती है, ये एक बीजाणु की तरह काम, जैसे एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्सल में भी ये काम करती है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में भी काम करती है। तो ये सिस्ट क्या काम करती है, अनफेवरेबल कंडीशन में जंतु की रक्षा के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी सहायता करता है। अब जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, यानी जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तब ये सिस्ट क्या होगी, फट जाएगी और जंतु जो है पुनः सक्रिय हो जाएगा, इनके फ्लैजिलम बन जाएंगे और वो सक्रिय जीवन व्यतीत करने लगेगा, जैसे एडल्ट युग्लिना रहता है वैसे ये रहने लगेगा। तो ये सिस्ट के अंदर एक युग्लिना भी इस तरह से सिस्ट बना के प्रतिकूल परिस्थितियों से बच सकता है और इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन भी करता है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न भी करता है। तो ये सिस्ट क्या काम करती है, इनके प्रतिरक्षा के भी काम करती है और साथ साथ क्या है, ये प्रकीर्णन यानी एक जगह से दूसरे जगह भी पहुँच जाते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह भी ये पहुँचाने का भी काम करती है। तो ये था इनका आपका रिप्रोडक्शन, तीनों हो गया। थैंक यू।